हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभावों से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। एक्चुअली उनका जो ब्रांड है आपको दिख रहा होगा, हिम वाटर सप्लायर। एक्चुअली आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर और छोटी सिटियों के अंदर, प्रतिष्ठानों के अंदर जो कैंपर्स आते हैं ना, ऐसे ऐसे आपको पीछे दिख रहे भी होंगे, एक्चुअली कैंपर्स वो मंगवाते हैं, तो उनका बिजनेस करते हैं सर। उन्होंने कैसे स्टार्टअप ये एक्चुअली करा, कितने दिन पहले करा, आप उनको देख के कैसे स्टार्टअप एक्चुअली कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आज सर बताने वाले। इससे पहले मैं हर वीडियो के अंदर दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों को कि ऐसे ही वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं अलग अलग बिज़नेस के ऊपर, और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। अलग अलग बिज़नेस, छोटे हो चाहे बड़े हो, उन बड़े बड़े बिजनेसमैनों से और छोटे बिजनेसमैनों से मैं मिलवाता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, डिटेल्स अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बिना किसी देरी के साथ सर से मिलवा देता हूँ आपको। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। एक्चुअली सर सबसे पहले मैं आपको अपना नाम और आपका जो बिज़नेस है, आपका जो स्टार्टअप है एक्चुअली आपने जो कर रखा है, उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर मेरा नाम रुड़मल सैनी है, मेरी ब्रांड का नाम हिम वाटर सप्लाईज के नाम से चलाते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका जो बिज़नेस है उसका नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा एक्चुअली, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप ये बताएं ये बिज़नेस आपने कब स्टार्ट करा था वो बताएं। सर मैं ये बिज़नेस सन 2016 के अंदर स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आइडिया कहाँ से मिला सर कि मुझे यही करना है एक्चुअली, वो बताएं। सर मैं सन 2016 में कॉलेज में पढ़ता था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं। तब मेरे को एक आइडिया आया, मेरे भाई ने एक दुकान चलाई थी वहाँ देखा था, तो हमारे को भी एक इज्जत हुआ कि हम भी एक बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, कितने पेपर लिखे हैं सर? सर मैं फाइनल ईयर हूँ BA। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, नौकरी वोकरी करी थी क्या इससे पहले? नहीं यार, इससे पहले कभी नौकरी नहीं की। डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट करा? हाँ, डायरेक्ट हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं आप सर कि आपने ये बहुत सारे बिजनेस हैं है ना, अलग अलग बिजनेस हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ये वाटर सप्लायर का ही बिजनेस स्टार्ट करना है? मैंने ये इसलिए सोचा कि अपने पास इतने तो पैसे हैं नहीं, तो हम ये छोटा बिजनेस है, छोटे पैसे के हिसाब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि पैसे कम लगे थे उस टाइम में, खर्चा कम था, तो पैसे हमारे पास इतने थे, तो इस कारण इसको स्टार्ट किया था हमने। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा, आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा, कोई भी भाई अगर स्टार्ट करना चाहे आप ही को देख के, आपकी मोटिवेशनल स्टोरी आज देख रहे हैं लोग है ना, यूथ एक्चुअली, तो आप ही के जैसे स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्कोप है ना, क्योंकि कोई भी जैसे मैं ही हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मेरे को पता तो चले नहीं कहाँ तक चलने वाला है ना, तो आपको तो एक्सपीरियंस हो गया, आपको आई थिंक 5-6 साल हो गए इसमें है ना, तो आपको आप हमारे दर्शकों को बताएं कितना स्कोप है। देखो इसमें स्टार्ट करने में तो ज़्यादा खर्चा आता नहीं, लेकिन इसको जैसे ही स्टार्ट करते वैसे खर्चा ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो इसमें अगर खर्चा ज़्यादा आता है तो, क्योंकि छोटा बिजनेस मैन रहता है कि इसको बंद करे या चालू करे, तो इसमें उसको घबराना नहीं चाहिए, रुक के उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कैंपर टूटते भी हैं फूटते भी हैं और दोबारा लाना ही पड़ता है, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं इसमें, तो जैसे ही हम करते हैं तो उसको एक बड़ा स्तर पे काम करना सोचना चाहिए, कि इसको घबराना नहीं चाहिए, आराम से काम करना चाहिए और आराम से ही इसका प्रोग्राम हो सकता है। कोई भी भाई स्टार्ट करे तो किन किन बातों का ध्यान रखें शुरुआती लेवल पे? शुरुआती लेवल पे भाई इसको सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि हमको RO को बिल्कुल सही रखना है और सप्लाई बिल्कुल सही टाइम पे सही लेवल पे देना है, और उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, गंदगी का दूर रहना चाहिए मामला, उसमें अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो मार्केट में पूरा जाता है, तो खूब परेशानी आती है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें एक गाड़ी भी रखनी पड़ेगी, उसमें लड़के भी रखने पड़ते हैं, लड़कों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो बिल्कुल साफ कैंपर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और जैसे हम मार्केट में चलते हैं कैंपर लेके गाड़ी लेके, तो उसमें दोनों तरफ देखना ही पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें चारों तरफ से निगरानी रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में चारों तरफ से गाड़ी आती है जाती है, तो आदमी पीछे से निकलता है तो वो भी चारों तरफ देख के ही निकलना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, ये गाड़ियाँ जो पीछे देख रहे हैं आप है ना, और इसके पीछे भी गाड़ी खड़ी है एक्चुअली, तो ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं सर आपके पास? हमारे पास में अभी 2 गाड़ी हैं यहाँ पे, और
हम आगे भी इसी प्रोसेस को करेंगे तो हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो गाड़ियाँ खुद ने परचेज करी है आपने? हाँ, हमने खुद ने परचेज की है। तो ये गाड़ियाँ, ये तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत हैवी आई थिंक होता होगा। वो इन्वेस्टमेंट तो अभी सर से पूछने वाला हूँ। हाँ, उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ सर, ये मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना इसमें? हाँ, तो वो बता दें एक बार, मशीन कौन सी मशीन होगी, कैसे मतलब? ये इसमें एक आर ओ फिल्टर के लिए मशीन लेना पड़ता है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी वैसे वैसे बढ़ाना चाहिए मशीन को। अभी हमारे पास में 1000 लीटर की मशीन है, तो प्रति घंटे में 1000 लीटर फिल्टर करती है, तो और वो फिर हम मार्केट में दे देते, जैसे हमारे कौन जैसे बढ़ता है वैसे उस हिसाब से फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा, बोरिंग वोरिंग भी लगवानी पड़ेगी? हाँ, बोरिंग लगवानी पड़ेगी आपको, बोरिंग भी लगवानी पड़ेगी, नीचे टैंक भी खुदवाना पड़ेगा, उसमें स्टोर करना पड़ेगा, फिर ऊपर भी फिल्टर करके भी उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने टीन लगा रखा ऊपर, तो इसमें कितना खर्चा आ गया था सर, ये बताएं ना आप? ये टैंक लगवाई हमने, इसमें काफ़ी खर्चा आया था उस टाइम तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा कर लिया, आज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना स्टाफ है आपके पास वो बताएं? अभी मेरे पास मैम 6 स्टाफ है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं सर, कस्टमर को एक तो एक मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं वो बताएं आप, अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं और कस्टमर को कैसे लेके आए? कोई भी भाई अगर बिजनेस खोलेगा, यही नहीं कोई सा भी बिजनेस खोले, तो वो कस्टमर आएंगे तभी तो प्रॉफिट होएगा ना, तो कस्टमर को कैसे लेके आए है ना, और आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं वो बताएं। सर देखो, कस्टमर को तो अपन को खुद के जाके मिलना पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा कि भाई हमने ये ब्रांड चालू की है, आप हमारे को मौका दो, हम एक युवा है, इसी को आगे आपको अच्छी सर्विस देंगे, टाइम से टाइम आपको देंगे, कोई परेशानी नहीं करेंगे, और इसके अंदर जो भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे को बताइए, हम आपके हर काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे सर। और इसके अंदर जैसे आप फ़ोन करोगे हम उसी टाइम पे आप हाजिर रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज नहीं आ रहा कल नहीं आ रहा, हम हर टाइम आपको आपकी समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सप्लाई का टाइम कितना होता है वो बताएं? सुबह हम यहाँ से 6 बजे निकल जाते हैं, मार्केट में पूरे में 10 बजे के पहले पहले देना पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में जो दुकानें खुल जाती है तो कस्टमरों का फ़ोन आने लग जाता है कि वो पानी नहीं आया, तो वो 10 बजे से पहले पहले हर कस्टमर को मिल जाती है, आज मार्केट 10 बजे से पहले पहले पूरा खुल जाता है। अच्छा सर, मैं पूछ लेता हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट आपने कितना लगाया था और अब कोई स्टार्ट करना चाहे तो अभी कितना बजट लेके चले? तो अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा, क्योंकि हर चीज़ में ज़्यादा होने लगी, तो अभी अगर छोटा से छोटा भी ये प्लांट स्टार्ट करना चाहते हो तो गाड़ी सीट आपको 8-9 लाख रुपये चाहिए इसमें, जब जाके छोटा से छोटा स्टार्ट हो सकता है, अन्यथा उससे कम में तो बिल्कुल भी अनपोसिस नहीं है ये। अच्छा, इससे इस बिज़नेस को अगर करना चाहें और मैं लोन उठाना चाहूँ तो बैंकों से वो लोन मिल जाता है क्या? हाँ, लोन मिल जाता है इसमें, कोई दिखे ना अगर खुद। अच्छा, लाइसेंस का प्रोसेस बताएं, अगर लाइसेंस का भी अगर मुझे बनवाना पड़ेगा क्या? हाँ, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा इसका, बिगर मार्केट में बिगर लाइसेंस हम नहीं जा सकते हैं। तो उसकी कुछ प्रोसेस वगैरह होती होंगी वो बता दें? हाँ, उसको प्रोसेस होती है, उसमें लाइसेंस लेना पड़ता है अपने को, इसका ब्रांड बनानी पड़ती है, और हम गवर्नमेंट को देते हैं, जब गवर्नमेंट हमारे को अप्रूव करती है उसके बाद में मार्केट में चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जब आपने 2016 में ये बिज़नेस स्टार्ट करा था तो बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आई होगी, एक्चुअली बिज़नेस नहीं चल रहा होगा तो आपने तो सोचा होगा मिला यार इन्वेस्टमेंट तो लगा दिया है ना, जैसा कि सब सोचते हैं है ना, और अब बिज़नेस नहीं चल रहा तो क्या करें, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? सन 2016 में हमने बिजनेस लगाया था शुरू में, लेकिन हमारे का भी बहुत ज़्यादा दिमाग में सही नहीं चल रहा था, क्योंकि मार्केट हो नहीं पा रहा था, हमारे को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, किस हिसाब से काम करें किस हिसाब से नहीं करें, बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, लेकिन हमने रुका, उसका विश्वास किया, उसके बाद में हमने सही तरीके से चलाया उसको, फिर हमारे बाद में कोई दिक्कत नहीं आई, मार्केट में भी कुछ दिक्कत नहीं आई, और हमारे को पानी देने में भी कोई दिक्कत नहीं आई, आज बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अभी खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हर बिजनेसमैन से एक्चुअली पूछता हूँ, बिजनेस या नौकरी क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? देखो, बिजनेस करने वाले के लिए तो बिजनेस भी बेस्ट रहेगा, नौकरी करने वाले के लिए नौकरी बेस्ट रहेगी। कैसे? कैसे यार, देखो बिजनेस में तो खुद के ऊपर पूरा लोड लेना पड़ता है, तो वो पूरा संभालता है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है, और नौकरी वाले के लिए तो वो नौकरी पर जाएगा, वो अपने आप से ही काम करेगा। क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? मेरे वेस्ट में तो बिजनेस मैन ही वेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर पूछना चाहूँ क्यों तो बताएं? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में, एक नौकरी में तो निर्धारित सैलरी होती है, और बिजनेस में हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं कि कितने कमा रहे हैं कितने नहीं करा रहे हैं। अच्छा, और नौकरी में तो फिक्स है कि वो आएगी सैलरी, तो वो आएगी। कोई भी बिजनेस करते हैं ना, यही नहीं कोई सा भी, तो प्रॉफिट के लिए करते हैं,
मैं आपसे पूछना चाहूँ, लगभग लगभग आप बताना चाहें तो कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखो प्रॉफिट तो ये मार्केट के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट जैसे एक सर्दी आ जाती है प्रॉफिट कम होता है, गर्मी आ जाती है प्रॉफिट होता है, लेकिन निर्धारित प्रॉफिट होता है उसमें कोई अपने को कोई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शादी पार्टियों में भी जाता है और में भी जाता है, तो बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, मैंने जो आपसे क्वेश्चन करे है ना, उसके अलावा आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो है ना, मुझसे कुछ छूट गया हो है ना, तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैंने ये स्टार्ट किया है, आज मेरे को मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैंने शुरू में बहुत मेहनत की है, आज मैं बिल्कुल कसूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, आज मैं बढ़िया कमा रहा हूँ, बढ़िया खा रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं, आज जब मैं छः छः लड़कों को रोज़गार दे रहा हूँ और आज मैं इतनी बड़ी ब्रांड लेके चल रहा हूँ। अच्छा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके फ्यूचर में गोल्स प्लान भी होंगे ना कि इस बिज़नेस को कहाँ तक लेके जाना है ना, वो बताएं ना कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैं इस बिज़नेस को आगे से आगे बढ़ाना, मैं अब छोटी बोतलिंग का वो भी चालू करूँगा, उसमें भी मैं लाइसेंस के लिए प्रोफिंग कर रहा हूँ और वो जल्दी ही चालू हो जाएगी, लगभग 2-6 महीने बाद में वो जल्दी चालू हो जाएंगे, अपनी ब्रांड हिम वाटर के हिम के नाम से ही चालू होगी वो भी। चलो सर हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका वो स्टार्टअप भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और बुलंदियाँ छूए एक्चुअली। और अब बाइंड अप करना चाहेंगे, आने वाले 6 महीने में 1 साल के अंदर में वापस दोबारा हमारे भाइयों के जो कमेंट आएंगे ना, एक्चुअली आप कमेंट ज़रूर करा कीजिए ताकि आपके मन में कोई सवाल है ना तो वो कमेंट में लिख दें, ताकि मैं सर से 6 महीने में 1 साल में वापस मिलके उन कमेंट के आधार पे दोबारा एक वीडियो क्रिएट कर सकूं एक्चुअली। तो सर मैं 6 महीने में या 1 साल में जब भी मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगा आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं दोबारा एक वापस कनेक्ट होऊँगा आपसे है ना, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उनके लिए निकाला एक्चुअली, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आपको बोलना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी मैं ऐसे बिजनेसमैन होते हैं ना छोटे और बड़े, उनको उनकी उनकी जो स्टोरी है उन्होंने कैसे स्टार्टअप करे हैं एक्चुअली वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो उनके बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।